इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। ला मिला टाका या ओडी वगैरह कुछ किसान सम्मान निधि के पैसे कुछ मिले आपको? नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिले। देखो, ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि इस सरकार द्वारा और इस कैंपों के द्वारा हमें न तो कोई पैसे मिले हैं न कोई बात है। ये सरकार का ओनली प्रसार का कार्य किया जा रहा है। हमें इन ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इन कैंपों से न तो पैसे मिले हैं न कुछ काम हुआ है। अधिकारीगण आते हैं, अपनी कुर्सियों पर विराजमान होते हैं और उसके बाद अपना काम करके चले जाते हैं। तो गांव के ग्रामीणों द्वारा न तो यहाँ बताया गया न तो कोई विकास हुआ है न कोई बात है। यहाँ का ओनली सरकार द्वारा प्रसार का कार्य किया जाता है। यहाँ अधिकारी गण आते हैं, सुबह बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो मैं अधिकारियों से भी बात करूँगा और आपको अवगत करवाऊँगा कि क्या कोई इस कैंप से किसी किसान को लाभान्वित हुआ है। हमारे साथ भी एक युवा है, उनसे भी बात करेंगे, और भी युवा साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस कैंप से आपको क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो कई अधिकारीगण हैं तो देख लो आप, कई अधिकारीगण की डेस्क खाली पड़ी हैं, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, यहाँ कोई अधिकारीगण नहीं हैं। और भी मैं मेरे कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आप पूरी डेस्क में बताएं कि कृषि विभाग के कहाँ गए हैं और राजस्व विभाग के कहाँ गए हैं। भारत विकसित संकल्प यात्रा का ऐसा ही कार्यक्रम शुरू होता है। यहाँ हमारे सरपंच महोदय भी बैठे हैं और कई जनप्रतिनिधि महोदय बैठे हैं। तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि सर नमस्कार, जो यहाँ डेस्क लगी हैं कई तो कुर्सियाँ खाली पड़ी नजर है। खेत सर ने बताया गया खेत में गए हुए, तो इस कैंपों द्वारा किसानों को कुछ फायदा हो रहा है सर? भारत सरकार योजनाओं की जानकारी देनी है। भारत सरकारों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई है। सर द्वारा बताया गया है कि इसमें भारत सरकार की योजनाओं को लाभान्वित करने और उन योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम इस कैंपों में किया जाएगा। तो और भी अधिकारीगण हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा और आपसे अवगत कराऊंगा कि उनसे क्या काम किया है इस कैंप में और क्या नहीं किया है। तो कई जनप्रतिनिधि देखो सभी डेस्क है, मुझे तो खाली नजर आ रही है। इधर चारों तरफ घुमाए, मुझे तो सारी कुर्सियां नजर आ रही हैं। यहाँ तो ऑनलाइन प्रसार का कार्य शुरू होता है। यहाँ देखो, यहाँ एक नाम मात्र का कैंप है, विकसित संकल्प यात्रा ओनली नाम मात्र का कैंप चल रहा है। देखो सर, किसानों का कोई काम नहीं होने को नजर आ रहा है। देखो यहाँ सभी कुर्सियाँ खाली पड़ी है, कोई अधिकारी मुझे मौजूद नहीं आ रहे। यहाँ एक दो अधिकारी मौजूद हैं जो अपना काम कर रहे हैं, बाकी कुर्सियाँ तो खाली पड़ी हैं। ओनली प्रसार का काम किया जाता है, ओनली जनता का पैसा जनता के ऊपर बर्बाद करने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो मैं आप सर नमस्कार, आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? पीएसडी जल विभाग से है। तो इस पीएसडी विभाग का क्या कार्य रहता है सर? इसका मेन काम जो है पानी की सप्लाई है, लेकिन अभी जल जीवन मिशन है वो अभी शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे, वो 2024 में शुरू होना है। अभी कोई ऐसी योजना इसके लिए हर घर में जो जल है वो अभियान शुरू होगा 2024 में। आपको पूर्ण विश्वास है कि जल जीवन मिशन सक्सेस हो पाएगा? सर अभी तो उसके जो DPR है वो सारे टेंडर वगैरह प्रक्रियाधीन चल रहा है। प्रक्रियाधीन चल रहा है, तो इस कैंप में आपका आने का औचित्य है कि भाई सर जनता को जल जीवन के बारे में बताएं। और जो PhD की भी स्कीमें चल रही है, जैसे बाहर है PhD की कुछ स्कीमें हैं, उनसे पानी की सप्लाई अभी हो रही है। इस गांव में जल की आपूर्तियाँ नहीं होती हैं, जल बंद पड़े हैं, लोग बूंद बूंद पे पानी के लिए तरस रहे हैं। तो सर आप PhD विभाग से तो उनका इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज,
देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।